नमस्कार, मैं हूं जितेंद्र जैन और आप देख रहे हैं खबर समय जगत। आइए नजर डालते हैं आज की कुछ मुख्य खबरों पर। गाजीपुर जिला फिरों की धरती है। इसी धरती के निवासी जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल विकास पुरुष माननीय मनोज सिन्हा जी हैं, जिनके कर कमलों द्वारा अनेकों विकास कार्य किया गया है। भारतीय जनता पार्टी ने उनके चाहने वाले पारस नाथ राय को टिकट देकर उम्मीदवार बनाया है। पार्टी कार्यालय की बैठक में मीडिया के समक्ष रास बिहारी राय, हिंदू युवा वाहिनी पूर्व जिला अध्यक्ष एवं जिला कार्य समिति सदस्य ने बताया कि 2024 में भी 400 पार से माननीय नरेंद्र मोदी जी की सरकार बनेगी। विपक्ष टाव टाव करती रहे, इनका खेल खत्म हो गया, बस जनता को गुमराह करने में लगे हैं। जनता जान गई है परिवारवाद को अब चुकने वाली नहीं है। इस बार पारसनाथ राय को चुन कर केंद्र में भेजेगी। उपस्थित रहे लोगों में विशेष रूप से रहे रास बिहारी राय, पूर्व नगर अध्यक्ष काशीनाथ तिवारी, जिला कार्य समिति सदस्य विनय कुमार कुशवाहा, रूपेश कुमार, आशुतोष राय, विनोद प्रजापति, रूपक तिवारी, अनिल राय, अरविंद राय, श्रवण कुमार सिंह आदि लोग मौजूद रहे। मैं रास बिहारी राय, पूर्व जिला अध्यक्ष हिंदू युवा वाहिनी, पूर्व नगर अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी गाजीपुर, वर्तमान में जिला कार्य समिति सदस्य भारतीय जनता पार्टी गाजीपुर। सर, 2024 में किसकी सरकार बनाते हैं? 2024 में यह निश्चित है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी। हम 2014 से इस देश में माननीय अपने श्रद्धेय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी की सरकार केंद्र में चल रही है। 2017 से अपने परम पूज्य योगी आदित्यनाथ जी के सरकार में प्रदेश में सरकार चल रही है। और ये जो 2024 में जो सरकार बनाने की बात हुई, 2024 में पुनः भारतीय जनता पार्टी की सरकार नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में बनेगी। विपक्ष जो हाय हल्ला कर रहा है, जो शोरगुल मचा रहा है, विपक्ष जो एकजुट हो रहा है, विपक्ष को ये लग रहा है कि भारतीय जनता पार्टी के जो प्रधानमंत्री हैं, जो संसद में प्रधानमंत्री की कुर्सी को सुशोभित कर रहे हैं, वो प्रधानमंत्री की कुर्सी पर बैठने के बाद जो भारतीय जनता पार्टी के मनीषी थे पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी, श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी, जो एकात्म मानववाद का जो सिद्धांत उन्होंने दिया है, उस एकात्म मानववाद को ध्यान में रखते हुए हिंदुस्तान के अंदर जो भी नागरिक रहते हैं, एक एक व्यक्ति की चिंता करने का काम अपने इस देश के प्रधानमंत्री सज्जन नरेंद्र मोदी जी ने किया है। नरेंद्र मोदी जी ने जो भी योजनाएं इस देश में लागू की हैं, समाज के अंतिम व्यक्ति को केंद्रित करते हुए पूरी योजनाओं को चलाने का काम किया है और एक एक योजनाएं समाज के अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाने का काम भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व ने किया है। आज स्थिति यह है कि जिस प्रकार समाज का दबा कुचला व्यक्ति, चाहे आवास योजना हो, चाहे आयुष्मान योजना हो, चाहे वो हर घर जल हो, हर घर बिजली हो, ये जितनी योजनाएं हैं, चाहे कौशल विकास के माध्यम से नौजवानों के भविष्य की बात हो, जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी ने इस देश के एक एक नागरिक के बारे में चिंता करने का काम किया है, इस वजह से आज इस देश का प्रत्येक नागरिक ये चाहता है कि केंद्र में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बने। बस ये विपक्ष हल्ला गुल्ला इसलिए कर रहा है कि जो ये धीरे धीरे जो इनके नंबर कम होते जा रहे हैं, ये अपने अस्तित्व को कैसे बचाएं, इसलिए ये सारे लोग एकजुट होकर भारतीय जनता पार्टी के सरकार को रोकने का प्रयास कर रहे हैं। अब ये इस जुगत में लगे हुए हैं कि जो प्रधानमंत्री जी ने जो नारा दिया है 400 पार, कैसे उस संख्या को हम कम करें ताकि हम ये बता सकें कि हम इतने अच्छे हैं कि जो 400 पार का उन्होंने जो लक्ष्य रखा था, जो नारा दिया था। गाजीपुर से खबर समय जगत के लिए राम प्रवेश राय की रिपोर्ट। फॉर लेटेस्ट न्यूज सब्सक्राइब टू आवर चैनल एंड प्रेस द बेल आइकॉन।